नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राहत, झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। पिछले 24 घंटे मिले 2776 नए मरीज, 4 की हुई मौत। कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 24 घंटे झारखंड में थोड़ी राहत भरी रही। यहां मात्र 2776 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4114 स्वस्थ हुए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 3 और सरायकेला में 1 मरीज की मौत भी हुई है। वहीं रांची के लिए राहत रही, यहां करीब 13 दिन के बाद 1000 से कम संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में रांची में मात्र 888 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 621, चतरा में 128, देवघर में 129 व सरायकेला में 223 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1218 मरीज पूर्वी सिंहभूम में एवं 1083 मरीज रांची में स्वस्थ भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो, कोरोना की वजह से 2 बोर्ड परीक्षा अब संभव नहीं। अब 2 की जगह 1 ही बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जैक। अप्रैल मई में हो सकती है परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक प्रबंधन इस बार मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में लेने की तैयारी में था, लेकिन कोविड ने इस योजना पर पानी फेर दिया है। जैक की घोषणा के तहत 15 जनवरी तक पहले चरण की परीक्षा ली जानी थी, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश के बाद करीब 7.5 लाख बच्चे परीक्षा को लेकर असमंजस में हैं। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद जैक अब 2 चरण की बोर्ड परीक्षा लेने की जगह पूर्व की तरह सिर्फ 1 ही परीक्षा लेने की योजना बना रहा है। जैक प्रबंधन का मानना है कि जनवरी तक पहले चरण की परीक्षा संभव नहीं है। फरवरी में कोरोना के मामले थम भी जाते हैं तब भी बोर्ड परीक्षा जल्दी में नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि इसके लिए कई प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, खासकर प्रश्न पत्र तैयार करने में समय लगता है। ऐसे में अब फरवरी व अप्रैल के बीच 2 परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अप्रैल मई में फाइनल परीक्षा लेकर परिणाम जारी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करो, अच्छी खबर, सख्ती और संयम से हारने लगा कोरोना। अब भी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो तीसरी लहर में भी जीत हमारी होगी। सरकार की सख्ती और रांची वासियों के संयम और सतर्कता से कोरोना हारने लगा है। तीसरी लहर में रांची में एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा सबसे अधिक 1731 तक पहुंच गया था, लेकिन अब कम होने लगा है। इसी वजह से 13 दिन बाद एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में रांची में कुल 888 संक्रमित मिले हैं और 1083 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, मतलब संक्रमित होने वालों से करीब 22% अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे पहले 3 जनवरी को 615 संक्रमित मरीज मिले थे। इसके बाद से जिले में रोजाना 1000 से अधिक मरीज मिल रहे थे। संक्रमितों की संख्या कम होना रांची के लिए सुखद संकेत है, क्योंकि राज्य में सबसे अधिक संक्रमित रांची से ही मिल रहे थे। हालांकि अभी भी सतर्क और संयमित होने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करो, छात्रों को समय पर मिले राशि, इसके लिए पोस्ट ऑफिस में खुलेगा खाता। सरकारी स्कूल के बच्चों को पोशाक, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं की राशि देने के लिए अब पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोला जाएगा। रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रखंडों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक व छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है। अब तक लगभग 45% बच्चों का ही बैंक खाता खुला है, इस कारण बच्चों को डीबीटी से राशि भेजने में परेशानी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो, पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 888 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा बोकारो में 68, चतरा में 128, देवघर में 129, धनबाद में 54, दुमका में 38, पूर्वी सिंहभूम में 621, गढ़वा में 59, गिरिडीह में 4 संक्रमित मिले हैं। वहीं गोड्डा में 58, गुमला में 17, हजारीबाग में 82, जामताड़ा में 18, खूंटी में 44, कोडरमा में 75, लोहरदगा
में 35, पाकुड़ में 6, पलामू में 33, रामगढ़ में 34, साहेबगंज में 79, सरायकेला में 26, सिमडेगा में 223 और पश्चिमी सिंहभूम में 57 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो, पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, सर्दी का सितम शुरू, बादल छटते ही कापा झारखंड, आज 3 डिग्री तक और गिर सकता है पारा। झारखंड में 4 दिन बाद मौसम बदला, बारिश और बूंदाबांदी के बाद बादल छटे, मौसम साफ हुआ, दिन में जो है धूप निकली। रांची में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, वहीं न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री गिरा है। अधिकतम तापमान बढ़ने के बावजूद कड़ाके की ठंड लौट आई है। वहीं कनकनी की बात करें तो कनकनी जो है कल से ही शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, इस वजह से फिलहाल न बादल छाएंगे और न ही बारिश होगी। आज सुबह से ही मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है, लेकिन अगले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है, इससे उत्तर भारत में ठंड काफी बढ़ रही है। झारखंड में 2 दिनों के दौरान सुबह में हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन में फिर धूप निकलेगी। बहरहाल आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और सताएगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में शराब नीति में फिर बदलाव की तैयारी, राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य में पहली बार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग निगम को बनाया जाएगा परामर्शी। राज्य में एक बार फिर से शराब नीति में बदलाव संभावित है। नीति में बदलाव छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर हो सकता है। इससे पूर्व की रघुवर सरकार जैसी शराब नीति एक बार फिर से राज्य में लागू हो सकती है। राज्य में शराब से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सके, इसके लिए हाल ही में IAS प्रशांत सिंह के नेतृत्व में अफसरों की टीम ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया था, जिसमें शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्शी के रूप में राज्य में नियुक्त करने की बात है। मंत्री ने संबंधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके बाद अब प्रस्ताव को विधि विभाग और वित्त विभाग भेजा जाएगा, दोनों से सहमति मिलने के बाद यह मामला कैबिनेट में जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो उपलब्धि, 70% लोगों को दोनों खुराक लगी, कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को बताया है कि देश की 70% वयस्क आबादी को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है, जबकि 93% को पहली खुराक मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की सराहना की है। देश में टीकाकरण की शुरुआत बीते साल 16 जनवरी को हुई थी। इस दौरान औसतन 42.6 लाख टीके रोज लगाए जा रहे थे, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो है देशों से कई गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार देर रात तक 76 करोड़ टीके महिलाओं और 80 करोड़ टीके पुरुषों को लगाए जा चुके थे। खास बात यह है कि कोरोना महामारी के बीच 100 करोड़ टीके ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली समेत 11 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पूरी आबादी को कम से कम टीके की एक खुराक दी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करो, दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड फुल, इस बार खाली। आज से 9 महीने पहले 16 मई 2021 को झारखंड में 36,080 मरीजों के साथ त्राहिमाम की स्थिति थी। उस समय 10,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड, 2,000 ICU बेड और 1,000 वेंटिलेटर कोरोना संक्रमित मरीजों से भरे पड़े थे। ऑक्सीजन बेड नहीं होने से अस्पताल के बाहर ही संक्रमित दम तोड़ दे रहे थे। तब दूसरी लहर ढलान पर थी, उसके विपरीत अभी जब तीसरी लहर का पीक आना बाकी है, तो 15 जनवरी 2022 को 33,000 केस होने के बाद भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लोग तब के मुकाबले इस बार ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल कम पहुंच रहे हैं। 15 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार अभी 14,863 ऑक्सीजन बेड में से मात्र 390 पर संक्रमित मरीज हैं, यानी मात्र 2% ऑक्सीजन बेड पर मरीज हैं, 98% बेड खाली है। वही 3204 ICU बेड में से 65 पर संक्रमितों को रखा गया है। खबर की बात करो, पुलिस ने कार रोकी तो वर्दी उतारने की दी धमकी, दरोगा पर हाथ भी उठाया, अरेस्ट। रांची पुलिस एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला रही थी। रांची में रविवार की रात कुछ युवकों ने पुलिस पर अपनी धौंस दिखाई। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने जब इनकी कार रुकवाई तो उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, दरोगा संजय यादव को गाली दी। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की गई। उन्हें
वर्दी उतरवा देने की धमकी भी दी गई। दरअसल दरोगा संजय यादव के नेतृत्व में अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक पर रात में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान होंडा सिटी कार को पुलिस ने रुकवाया, पूछताछ करने की कोशिश की तो इतने में ही कार में सवार दो युवक राजेश कुमार और कुणाल चौरसिया ने दरोगा के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, दोनों युवकों ने दरोगा को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। दरोगा के द्वारा घटना की पूरी जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर पीसीआर की टीम और पुलिस गाड़ी पहुंची, दोनों युवकों को थाना लाया गया है। थाना में भी वो बदतमीजी करता रहा। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि ये कौन है और इसका क्या पेशा है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में 3000 वर्ग फीट में बने घर में बनाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैक्स में दी जाएगी छूट। रांची शहर में 3000 वर्ग फीट में बने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा। जिन घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 31 जनवरी तक बन जाएगा उन घरों के मालिकों को टैक्स में छूट मिलेगी। रांची नगर निगम के अनुसार 2,25,000 से अधिक घर और भवन ऐसे हैं जो कि 3000 वर्ग फीट में बने हुए हैं। इसमें से मात्र 27 घर हैं जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।